नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में वो क्लोज हो चुका है और सेकेंड जो मेरिट लिस्ट थी जो डिक्लेयर की गई थी और उस मेरिट लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया था वो सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे। आज 1 जुलाई थी और 1 जुलाई को जो भी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और उन सभी को फीस पेमेंट का मैसेज भी मिल चुका है। तो मैं आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले आपकी जो फीस पेमेंट है फीस पेमेंट कर दे। एक बात ध्यान रखना, 3 जुलाई फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। फर्स्ट राउंड में फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट थी वो 25 जुलाई थी। 25 जुलाई तक वेबसाइट चालू थी लेकिन 26 जुलाई को किसी भी स्टूडेंट्स को फीस पेमेंट नहीं करने दिया गया था और उनकी जो सीट है वो किसी और स्टूडेंट्स को अलॉट कर दी गई सेकंड राउंड में। अगर आप भी यही करते हो, 3 जुलाई तक फीस पेमेंट नहीं करते हो, तो आपकी जो सीट है वो किसी और स्टूडेंट को अलॉट कर दी जाएगी थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर। फिर आप किसी को भी यहाँ पर लेके आओगे, कुछ भी कहने को और कुछ भी बोलने को आओगे, कोई भी आपका कुछ सुनेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट के ही तरफ से ये जो वेबसाइट है क्लोज कर दी जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके कांटेक्ट में उनको बोल देना कि 3 जुलाई तक फीस पेमेंट कर दे। फीस पेमेंट किस तरह करना है इसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल पर अपलोड किया है, आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपकी जो फी रिसिप्ट है वो कहीं ना कहीं अगर डाउनलोड नहीं हो रही है तो कुछ हावर्स का वेट करना, 12 to 14 hours, 12 to 14 hours या फिर 24 hours का। 24 hours के अंदर अंदर आपका पेमेंट भी सक्सेस हो जाएगा और आपकी जो फीस पेमेंट की रिसिप्ट है वो आ जाएगी। अगर आज 1 जुलाई को जिस भी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उनको फीस पेमेंट का मैसेज नहीं आया है तो कल मॉर्निंग में 11 बजे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग पर वो लोग आ जाए और यहाँ पर स्टाफ रूम में मेन बिल्डिंग पर आके सर या टीचर को मिलेंगे तो आपको आपका जो फीस पेमेंट का मैसेज है और फीस पेमेंट की लिंक है वो यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको इतना करना रहेगा। सेकेंड मोर थिंग मैं आप सभी को बता दूं कि अब फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन किस बिल्डिंग पर हुआ है और मेजोरिटी स्टूडेंट्स को जनरल एजुकेशन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग और एमके अमीन कॉलेज, पात्रा कॉलेज अलॉट की गई है। मैं आप सभी को बता दूं, फीस पेमेंट करने के बाद आपके जो रेगुलर लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट होंगे। रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होंगे तो आपका जो सिलेबस है वो डिक्लेयर किया जाएगा, आपके सब्जेक्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपका डिक्लेयर किया जाएगा और साथ साथ में आपका जो टाइम टेबल है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचे और भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिले रेगुलर फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स की, तो इसके लिए सबसे पहले आपका मेरे कॉन्टेक्ट में रहना जरूरी है। हमारे ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU के ग्रुप में रहना आपका बहुत जरूरी है ताकि आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अपडेट मिल सके। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो वेरिफिकेशन करके जा चुके हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, वो लोग तो हमारे कॉन्टेक्ट में है, लेकिन आज 1 जुलाई को जिस भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, कंफर्म हो गया, फीस पेमेंट का मैसेज आ गया, फीस पेमेंट कर दी और उनको बिल्डिंग भी अलॉट हो गई, तो वो सारे लोग उनका नाम, उनका सरनेम और किस बिल्डिंग पर एडमिशन हुआ है, ये तीन रिक्वायर जो इन्फॉर्मेशन है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर आप शेयर कर दें ताकि मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लूं और ब्रॉडकास्ट में ऐड करूं। ब्रॉडकास्ट एक ऐसे सिस्टम है जिसका नंबर मेरे फोन में सेव होगा और मेरा नंबर आपके फोन में सेव होगा, तभी मेरा मैसेज आपको रेगुलर मिल सकेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका नाम, सरनेम और जिस भी बिल्डिंग पर आपका एडमिशन हुआ है वो तीन चीज मुझे लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फॉरवर्ड कर दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9537310046। वंस आई रिपीट, 9537310046। तो ये नंबर है और आगे की जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको अपडेट शेयर कर दूंगा। फिलहाल एडमिशन हो जाने के बाद अब आप शांति से एकदम रिलैक्स और चिल होकर घर पे बैठिए। जब भी लेक्चर चालू होंगे उससे कुछ दिन पहले टाइम टेबल आएगा, हम आपको वो शेयर कर देंगे। जो लेक्चर्स हैं वो करीबन 20 जुलाई के बाद चालू होंगे, अभी ऐसी अपडेट है, तो फिलहाल आपको वेट करनी है। और ऐसे सारे स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि जिनका 61.60 के नीचे है वो लोग वेट करें। फैकल्टी मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से हमारी बातचीत चल रही है कि उसके नीचे भी कुछ अगर सीट है तो हम वडोदरा के लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर एडमिशन करवा सके। नमस्ते।